a bridge and metro expert from Mumbai. And his topic of presentation is bridge bearings, manufacturing, testing, installation and issues. And he is none other than Sriyan and Bandhu. Please welcome him with a big hand on the stage. Please. Bridge and metro expert from Mumbai, Sri N.N. Bandhu. So here he goes with his topic, bridge bearings, manufacturing, testing, installation and issues. Thank you, sir. Thank you, everybody. Good afternoon. Thank you for waiting for me. Now, I am going to say something, a little part of big bridge. हम लोग बड़ी बड़ी ब्रिज बनाते हैं लेकिन उसमें छोटा आइटम है बियरिंग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ब्रिज का डिज़ाइन और ड्यूरेबिलिटी टोटल डिपेंड करता है बियरिंग के ऊपर. ये डिजाइनर या फिर यूजर समझ सकते हैं कि अगर बियरिंग का प्रॉपर डिज़ाइन नहीं हो और इंस्टॉलेशन नहीं हो और मेंटेनेंस नहीं हो तो अभी हमारा IRC 112 100 ईयर्स के लिए डिज़ाइन कर रहा है. लेकिन अगर बियरिंग सही नहीं है तो 100 क्या 10 ईयर्स में ही चल जाएगा. इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जितने भी ब्रिज इंजीनियरिंग के लोग हैं जुड़े हुए, चाहे वो डिपार्टमेंट से हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हों, जितने भी इंजीनियर हैं, सबको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये कंपोनेंट बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हम देख सकते हैं इसमें बहुत बड़ा ब्रिज है लेकिन ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ये पार्ट, यही बियरिंग है. टोटल ब्रिज इंक्लूडिंग लाइव लोड, डेड लोड, एवरीथिंग ये ट्रांसफ़र होता है यहीं से, ये बियरिंग से. और बियरिंग का साइज हम देख सकते हैं कि कितना छोटा है. हम आगे बढ़ रहे हैं कि ब्रिज में बियरिंग के हिसाब से क्या फंक्शन है. फंक्शन ऑफ बियरिंग, टाइप ऑफ बियरिंग, सिस्मिक अरेस्टर, डाउन स्टैंड, इंस्टॉलेशन ऑफ बियरिंग, प्री सेट इन बियरिंग, इशूज, मेंटेनेंस एंड रेफरेंसेज. मैं इसे ही डिस्कस करने जा रहा हूँ. इसमें बियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह का ब्रिज है. एक ब्रिज है जो बिना बियरिंग का बनाया जा सकता है और एक ब्रिज है बियरिंग के साथ बनाया जा सकता है. जो बियरिंग के साथ बनाते हैं वो या तो सिंपली सपोर्टेड हो सकता है या कंटिन्यूअस हो सकता है, और विदाउट बियरिंग वो टोटल फिक्स है, रिजिड बजी है. उसका एक ही बेनिफिट है कि अर्थक्वेक में जो सुपर स्ट्रक्चर है वो नीचे नहीं आएगा. अदरवाइज उसका डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यू पीपल नो बेटर, और इकोनॉमिकल भी नहीं है. हम बाईपास की बात करते हैं, जिसे वेहिकुलर बाईपास है, पेडिस्टन बाईपास है, जो बॉक्स कलवर के नाम से फेमस है, यहाँ तक तो ठीक है. और लेकिन ये ब्रिज मैंने देखा, ये नासिक में बना हुआ है और एक मुंबई में सुमन नगर फ्लाईओवर बना हुआ है जिसमें शिरीष पटेल डिजाइन किए हैं. वो सुमन नगर फ्लाईओवर जो बना हुआ है कंप्लीट चेंबूर में, वो 100% फिक्स है, एंड टू एंड, कहीं कोई ज्वाइंट नहीं, नो एक्सपेंशन ज्वाइंट, नथिंग, नो बियरिंग, ऐसा है. हम फंक्शन की बात करें तो किसी बियरिंग का तीन ही फंक्शन है. एक है वर्टिकल लोड ट्रांसफ़र करना, हॉरिजॉन्टल लोड ट्रांसफ़र करना. दूसरा है मूवमेंट अलाउ करना इन डिजायर्ड सेफ डायरेक्शन. और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है रोटेशन. ब्रिज जब भी हम बनाएंगे, चाहे कितना भी रिइंफोर्समेंट डाले, कुछ डाले, उसका प्रॉपर्टीज है कि डिफ्लेक्शन होगा. डिफ्लेक्शन होगा यानी कि वो सैग करना चाहेगा, सैग करना जैसे ही चाहेगा
तो रोटेशन हमें देना होगा बियरिंग में, अदरवाइज बियरिंग फेल हो जाएगा और बियरिंग के साथ साथ स्ट्रक्चर भी फेल हो जाएगा। हम टाइप में अगर आएँ तो जो मोस्ट पॉपुलर है वो इलास्टोमेरिक बियरिंग है। उसके बाद 2002 से पॉट एंड पॉट कम्पेटिटिव बियरिंग आया, लेकिन 2014 में इसका नाम बदलकर पॉट बियरिंग कर दिया गया। उसके बाद 2014 में ही स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल बियरिंग आया है, जबकि स्फेरिकल बियरिंग तो बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है, उसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स है स्फेरिकल का। और जब हम पॉट की बात करें तो मैक्सिमम 30 ईयर्स जाता है, और एलास्टोमेरिक तो 15 ईयर्स ही चलता है, 15 के बाद उसका बदलना ही सोल्यूशन है, क्योंकि उसमें वेदर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो इलास्टोमर यूज होता है वो कन्फाइंड नहीं होता है। इलास्टोमेरिक बियरिंग की बात करें तो ये तीन तरह का है, एक फिक्स है और फ्री है और वर्टिकल है। फिक्स में मैक्सिमम हम वो 85% फिक्सिटी में ही जाते हैं, जो हमारे पास इलास्टोमर अवेलेबल है उसके हिसाब से जाते हैं, लेकिन हाईवे प्रोजेक्ट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम मेट्रो की बात करते हैं, जहाँ पे कि लॉन्ग वेल्डेड रेल होता है, उसमें डिफरेंट टाइप का ट्रक स्ट्रेस आता है ड्यू टू ट्रैकिंग ब्रेकिंग एक्सेट्रा, तो उसमें ज़रूरत पड़ता है फिक्सिटी का। उसमें एक पियर में फिक्स और फ्री दोनों डालते हैं, एक साइड से स्टार्ट करते हैं तो पहले फिक्स डालेंगे, फ्री फिक्स फ्री, एक स्पैन में दोनों होगा, एक साइड में फिक्स होगा दूसरे में फ्री होगा, इस तरह से करते हैं। और जो वर्टिकल बियरिंग है ये कंपोनेंट है सिस्मिक अरेस्टर सिस्टम का, जो सिस्टम अरेस्टर सिस्टम करते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक के कारण बहुत सारे गर्डर टॉपल हो जाते हैं, तो उसके सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं। हम आगे देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं इसको। अब बनाने के लिए इलास्टोमेरिक बियरिंग बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट है वो रबर है, जो क्लोरोप्रीन रबर है, नेचुरल रबर यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि नेचुरल रबर भी प्रोवाइड करने का आ गया है प्रोविज़न, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। और क्लोरोप्रीन फैमिली में ये चार इंपॉर्टेंट मेम्बर है, जो नियोप्रीन WRT है, बाइप्रीन 110 है, स्काईप्रीन B5 है और डेंका S40V है। और दूसरा जो है लेमिनेट्स है, जो स्टील प्लेट होता है और उसे उसका शार्प एज ब्लंट करते हैं, ताकि कहीं कुछ कटिंग नहीं हो, कोई डैमेज नहीं हो। इलास्टोमर तो रबर है, वो शार्प एज होने से कट सकता है, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका जो भी शार्प कॉर्नर है, शार्प एज है, उसको ब्लंट कर देते हैं। और स्टील लेमिनेट और इलास्टोमर दोनों का एक साथ अलग अलग नहीं वल्कनाइज करते हैं, एक साथ रखकर वल्कनाइज कर देते हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल देखा जा रहा है ये सप्लाई है, स्काईप्रीन है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी स्काईप्रीन या इलास्टोमर मटेरियल है ये सभी इंडिया में नहीं बनते हैं, ये सभी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये एक नंबर में देख सकते कैसे पैकिंग आता है, ये एक्चुअली रॉ मटेरियल है जो यही रॉ मटेरियल है जो ऐसा वाइट कलर का दिखता है। बाद में इसमें ऐश डालते हैं, कार्बन डालते हैं, ताकि उसका कलर चेंज होता है। और बहुत सारा प्रॉपर्टी, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ रबर का कुछ नहीं होता है, लेकिन कार्बन डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, जिसके कारण उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है। तीन और चार फिगर में देख सकते हैं कि मिलिंग हो रहा है, मिलिंग मशीन है, और मिलिंग करके इसमें हम स्लैब बनाते हैं नियोप्रीन का डिजायर्ड थिकनेस के हिसाब से। एक नंबर स्टील प्लेट है जिसको लेमिनेट्स बोलते हैं, दो नंबर में एडहेसिव यूज किया हुआ है, लेमिनेट्स को सैंड ब्लास्ट करने के बाद उसे हम एडहेसिव लगाते हैं। एडहेसिव लगाकर तीन नंबर में देखें कि लेयर बाय लेयर, इलास्टोमेरिक बियरिंग में बहुत सारे लेयर हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम लेमिनेट डालते हैं, उसके बाद इलास्टोमर है, इलास्टोमर का थिकनेस डिजाइन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, 8 mm से 20 mm तक हो सकता है, और लेमिनेट का 3 mm टू 5 mm रहता है। और टॉप और बॉटम कवर डाल करके चारों साइड से साउट कवर डालते हैं, और डालने के बाद इस ओवन, पांच नंबर ओवन है, वल्कनाइजेशन करते हैं। तो वल्कनाइजेशन के लिए
टेम्परेचर देना पड़ता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर अप टू 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वो प्रेशर देने के बाद ये प्रेशर 200 टू 400 जा सकता है। जो मिनिमम प्रेशर है वो 200 देना पड़ता है और मैक्सिमम 400 तक जाते हैं। 400 तब जाते हैं जब बियरिंग का साइज 1.2 मीटर बाई 1.2 मीटर होता है, अदरवाइज उसी हिसाब से धीरे धीरे 200 लेकिन मिनिमम है। इस तरह से वल्कनाइजेशन हो गया, साइज में आ गया। अब हम इसका फिनिशिंग कर देते हैं। फिनिशिंग करने के बाद देख सकते हैं 3 नंबर जो है वो फिक्स बेयरिंग है। फिक्स बेयरिंग में टॉप और बॉटम में स्टील प्लेट का थिकनेस ज़्यादा डालते हैं और 4 नंबर में नॉर्मल बेयरिंग है। अब बन जाने के बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है टेस्टिंग। जो हमने बनाया वो कैसा है, कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो टेस्टिंग के लिए जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो लॉट में ऑर्डर जाता है और लॉट में ही बनाया जाता है। अगर 24 प्लस नंबर है बियरिंग का तो उसको लार्ज लॉट बोलते हैं, और लेस देन 24 है तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट लॉट। और शॉर्ट और स्मॉल के हिसाब से ही, शॉर्ट और लार्ज के हिसाब से हमारा टेस्टिंग होता है लेवल 1 और लेवल 2। जो मोर देन 24 है, 24 या 24 से ज़्यादा है, उसमें हमें लेवल 1 का टेस्टिंग करना पड़ता है और अदरवाइज लेवल 2 का करते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 में एक ही डिफरेंस है कि लेवल 1 के लिए जो हायर रेंज का टेस्टिंग है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बियरिंग बनाने पड़ते हैं जिसका कि हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। और टेस्टिंग करने के लिए है कि जब भी उसका वल्कनाइजेशन हो गया उसके 7 दिनों के बाद ही मुझे टेस्ट करना है। 7 दिन के पहले नहीं कर सकते हैं, 7 दिन तक उसका क्यूरिंग टाइम है और 180 दिन के भीतर 180 डेज के अंदर ही उसको टेस्ट करना है। अगर इस पीरियड में टेस्ट नहीं हुआ तो फिर स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है, स्पेशल टेस्ट करना पड़ता है। इसमें जो टेस्टिंग इन्वॉल्व है, न्यूप्रिन का MTC जो केमिकल टेस्ट है उसका मिल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और पाइरोलाइसिस टेस्ट है, इसमें टेस्ट करते हैं कि कितना परसेंट इलास्टोमर डाला हुआ है और उसका 50% से कम नहीं होना चाहिए इलास्टोमर टोटल वॉल्यूम का। एस कंटेंट देखते हैं, एस कंटेंट 5% होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं इलास्टोमर का, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं और इलोंगेशन एट ब्रेक निकालते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलोंगेशन एट ब्रेक ये दोनों स्टेज में करते हैं। एक तो रॉ इलास्टोमर से हम छोटा पतला स्लैब बनाते हैं उसका टेंसाइल करते हैं, और इलोंगेशन एट ब्रेक भी देखते हैं। सिमिलरली जब हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं बियरिंग का तो उससे इलास्टोमर निकालते हैं, उसका भी टेंसाइल करते हैं और इलोंगेशन एट ब्रेक करते हैं दोनों, और दोनों में करीब 80% का है मार्जिन। जैसे कंक्रीट कोर में देखते हैं कि क्यूब टेस्ट अगर 100% आता है तो कोर 85 में पास हो जाता है, ऐसा अपना है। सिमिलर केस यहाँ भी है, मिनिमम टियर है, स्टिफनेस टेस्ट है, डायमेंशनल टेस्ट, जितना भी डायमेंशन डिजाइन किया हुआ है उसमें टॉलरेंस के हिसाब से हम चेक करते हैं, जो टॉलरेंस पे मैच कराते हैं कि हमारे विद इन टॉलरेंस लिमिट है कि नहीं है। अगर है तो सो गुड, नहीं है तो फिर हम बियरिंग रिजेक्ट करते हैं। और जितना भी टॉलरेंस है IRC 83 Part 2 के हिसाब से चेक कर लेते हैं। अब जो मैकेनिकल टेस्ट है इसमें एक वर्टिकल एक्सल लोड है, ये डिजाइन लोड डालते हैं, ये जनरली इंस्पेक्टर नहीं करता है। जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर अपने लेवल पर करके रिकॉर्ड रखते हैं, और जब इंस्पेक्टर जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए तो उन्हें हैंड ओवर करता है और साथ में जो टेस्ट करते हैं उसे मैच कराते हैं। और दूसरा है जो कंप्रेशन स्टिफनेस टेस्ट है, इसके लिए सबसे पहले प्री लोडिंग करना पड़ता है। स्टिफनेस के लिए प्री लोडिंग के लिए हम जो डिजाइन टेस्ट लोड है टेस्ट लोड डालते हैं, टेस्ट लोड डालने के बाद 10 मिनट के बाद उसका प्रेशर कम करते हैं, प्रेशर कम करके 2 MPa प्रेशर तक ला करके छोड़ते हैं। उसके बाद जो टेस्ट लोड का कैलकुलेशन करते हैं, जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है 5 × G × S × A / 1.2,
इसमें जी शियर मॉडुलस है, एस सेफ फैक्टर है और ये इफेक्टिव एरिया ऑफ बेयरिंग है। उसके बाद स्टिफनेस का जो फॉर्मूला निकालते हैं, इसमें 30% फोर्स में कितना डिफ्लेक्शन आया वो पता करते हैं, फिर 100% में डिफ्लेक्शन क्या आया वो देखते हैं और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे 100% फोर्स में कितना टन आ रहा है और 30% में कितना टन आ रहा है उसका डिफरेंस निकालते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस डिफ्लेक्शन में अंतर आया 100% और 30% पे, उसी का जो डिवीजन है वही मुझे स्टिफनेस वैल्यू देता है। और ये स्टिफनेस वैल्यू स्टैंडर्ड आ गया, हम जो दूसरा टेस्ट करेंगे उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 20% का वेरिएशन है परमिसिबल, 20% से ज़्यादा वेरी कर रहा है दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग। उसके बाद एक शियर मॉडुलस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रोटेशन का कोई प्रोविजन नहीं होता है लाइक पॉट बियरिंग। पॉट बियरिंग में रोटेशन एज वेल एज स्लाइडिंग का प्रोविजन होता है क्योंकि उसमें हम डालते हैं PTFE और स्टील प्लेट जो स्लाइडिंग इंटरफेस होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ रबर ही अपने आप शेप बदलता है, ऐसा रबर है टेढ़ा हो जाएगा ऐसे शियर में, तो वो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 5 MPa का प्रेशर डालते हैं प्री लोड करने के बाद 5 MPa का प्रेशर डालते हैं और उस पर हॉरिजॉन्टल लोड डालते जाते हैं। हॉरिजॉन्टल लोड डाल करके देखते हैं कि स्ट्रेन 1 कब आ गया, 1 तक हम जाते हैं, यानी कि अगर 60 है तो 60 ऐसे डिफ्लेक्ट करना चाहिए, ऐसे 60 है तो 60 ऐसे ऐसे डायगोनल हो जाना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए। अब उसमें देखते हैं कि 0.8 कब था और 0.2 कब था, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन 0.8 एंड स्ट्रेन 0.2 उसका डिफरेंस और डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेस 0.8 और 0.2 मीन्स 0.6, नीचे 0.6 क्लियर है, यहाँ से मुझे देता है वैल्यू जी का। जनरली ये 7 to 1.15 तक जाता है और उसी के हिसाब से ग्रेड समझ में आता है कि किस ग्रेड का ये इलास्टोमर है। और एक शियर बॉन्ड टेस्ट है जो लेवल 1 में करना पड़ता है, इसके लिए 12 MPa का प्रेशर डालते हैं और इसमें शियर स्ट्रेन 2 डालते हैं, यानी कि अगर 60 है तो टॉप बेंड होकर 120 तक जाना चाहिए ऐसा। तो उतना करने के बाद फिर लोड रिलीज करते हैं, देखते हैं कि उसके एडहेसन में क्या प्रॉब्लम आया बॉन्ड में, जो बॉन्ड है बॉन्ड बिटवीन लेमिनेट्स स्टील लेमिनेट्स एंड इलास्टोमर, उसका जो बॉन्डिंग है बॉन्डिंग कहीं फेल तो नहीं हो गया। तो इस तरह से मेरा ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप है पॉट बियरिंग, जैसा कि नाम बताया गया है पॉट, एक पॉट ही होता है रियली पॉट होता है और उसके ऊपर से पिस्टन डालते हैं, फिर फिक्स कंप्लीट हो जाता है। फिक्स में दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक पॉट होता है जिसे बॉटम प्लेट बोलते हैं और एक पिस्टन होता है जिसे टॉप प्लेट बोलते हैं। बॉटम में जो पॉट है, पॉट में हम लोग इलास्टोमर पैड डालते हैं और उसके ऊपर पिस्टन डालते हैं, यही फिक्सिटी है इसका। और आगे बताएंगे कि कैसे ये काम करता है, उसे इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता है कुछ भी, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ नहीं करता, सिर्फ वर्टिकल अलाउ करता है और रोटेशन अलाउ करता है, हॉरिजॉन्टल कोई मूवमेंट नहीं है। और दूसरा फ्री बियरिंग है, फ्री बियरिंग में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो पॉट है जो बॉटम प्लेट कहलाता है, उसके ऊपर हम इलास्टोमर डालते हैं, फिर इंटरमीडिएट प्लेट डालते हैं, इंटरमीडिएट प्लेट और पॉट का टॉप एक जैसा है। अगर हम यहाँ देखें इसमें ये फिक्स बियरिंग है, इसमें नीचे में पॉट है ऊपर में पिस्टन है, और दूसरे केस में यानी इस केस में हम जाएं तो इसके ऊपर एक रेसेस बना होता है, उसमें हम लोग PTFE डालते हैं, उस PTFE के ऊपर स्लाइडिंग इंटरफेस होता है जो स्लाइड करता है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं भी मूवमेंट अलाउ करता है, जो ये फ्री है। इसमें अगर हम गाइड लगा देते हैं तो ये गाइड बियरिंग कहलाता है,
इसमें भी तीन कंपोनेंट होते हैं, बॉटम, इंटरमीडिएट और टॉप। और टॉप के साथ एक गाइड लगा होता है जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। जैसे आप एक नंबर में देख सकते हैं कि यहाँ एक नंबर में, हेलो, एक नंबर में दोनों साइड गाइड दिख रहा है टॉप प्लेट में, और इंटरमीडिएट दिख रहा है। ये गाइड प्लेट सिर्फ आपको इस डायरेक्शन में अलाउ करेगा मूवमेंट, ऐसे अलाउ नहीं करेगा। दो नंबर में साफ देख सकते हैं कि वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है। और तीन नंबर फोटो में देख सकते हैं कि ये गाइड है लेकिन सेंट्रल गाइड है। दोनों में डिफरेंस है कि उसमें आउटसाइड में गाइड रखा हुआ है जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है, यहाँ पे सेंटर में गाइड रखा हुआ है, ये मूवमेंट को इधर नहीं जाने देगा, लेटरली नहीं अलाउ करेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनली अलाउ कर सकता है। ये गाइडेड बियरिंग हम दो तरह का लगाते हैं, एक ट्रांसवर्स गाइडेड लगाते हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल गाइडेड लगाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल गाइडेड लेंथ वाइज गर्डर को बड़ा छोटा होने देगा, मूवमेंट अलाउ करेगा, लेकिन ट्रांसवर्सली क्रॉस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। लेकिन जब हम ट्रांसवर्स गाइडेड लगाएंगे तो वो ट्रांसवर्स में मूवमेंट नहीं अलाउ करेगा। इस तरह से वाइस वर्सा है, एक लॉन्गिट्यूडनली अलाउ करता है और ट्रांसवर्सली अलाउ करता है। वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। और किसी भी सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर में चारों बियरिंग लगते हैं, फिक्स भी लगेंगे, फिक्स के सामने लॉन्गिट्यूडनल गाइडेड लगेगा, फिक्स के एडजेसेंट ट्रांसवर्स गाइडेड लगेगा, और फिक्स के डायगोनली ऑपोजिट फ्री ही रहेगा। इस ये चार छोड़ करके और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई ऑप्शन कहीं मिला, ड्राइंग में मिला, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और डिजाइनर से बात करना चाहिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कट एंड पेस्ट का मिस्टेक बहुत होता है, तो उसे सावधान रहना पड़ेगा अपने को। यहाँ देख सकते हैं ये पॉट है और नीचे चार नंबर में देखे तो पिस्टन दिख रहा है, पांच नंबर में इलास्टोमेरिक पैड है, इलास्टोमेरिक पैड में देखेंगे ग्रूव बना हुआ है, इस ग्रूव में हम ब्रास सील डालते हैं ताकि प्रेशर पड़ने के बाद जो इलास्टोमेरिक मटेरियल है उसका फ्लो नहीं हो, इसके लिए उसको सील करते हैं, उसको कन्फाइंड करते हैं। ये कन्फाइंड इलास्टोमेरिक है इसलिए जब हम पॉट की बात करते हैं कि पॉट बियरिंग का लाइफ 30 ईयर्स होता है, इसलिए कि ये इलास्टोमेरिक है, जैसा कि हम इलास्टोमेरिक बियरिंग में यूज़ करते हैं सेम मटेरियल है, लेकिन ये कन्फाइंड है, ये बंद है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, वेदर का इफेक्ट बहुत कम है, इसलिए इसका लाइफ 30 ईयर्स है। इसका लाइफ पीटीएफ के लाइफ पर डिपेंड करता है और 30 ईयर्स के बाद तो रिप्लेस करना ही पड़ता है। और तीन नंबर में देखेंगे पॉट, ये पीटीएफ ही है, ये बहुत ही टफ मटेरियल है और इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 80 एमपीएस से भी ज़्यादा है। तो और इसमें एक डिम्पल बना हुआ है, डिम्पल का साइज देख सकते हैं कि डिम्पल का साइज 8 mm का है। और इसमें सिल्कन ग्रीस लगाते हैं, सिल्कन ग्रीस लगाने के कारण इसमें फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, स्टील और पीटीएफ के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। यहाँ तक मैं बता दूँ, अगर आई गडर है आप रख दीजिए, आप चाहे पुश करेंगे तो पुश हो जाएगा, इतना कम फ्रिक्शन हो जाता है। प्रैक्टिकली मैं देखा कि मूवमेंट हो सकता है, इतना कम फ्रिक्शन होता है दोनों में सिलिकन ग्रीस लगाने के बाद। और सिलिकन ग्रीस का लाइफ बहुत है, जैसे और सब ग्रीस होते हैं जो पानी बनकर निकल जाता है, वैसा नहीं होता है ग्रीस सिलिकन, इसका लाइफ बहुत है। एक नंबर में जो देख रहे हैं ये टॉप प्लेट है, टॉप प्लेट में एसएस प्लेट वेल्डिंग किया हुआ है। और ये एसएस प्लेट और जो अभी हमने देखा पीटीएफ, यही दोनों इंटरफेस होता है, इसी पे इसका मूवमेंट होता है। और जब साइड गाइडेड है तो एक नंबर एप्लीकेबल है, अगर सेंट्रल गाइड है तो दो नंबर है, दो नंबर में वो गाइड डाला हुआ है, ये गाइड लेटरल मूवमेंट अलाउ नहीं करता। यहाँ तीन नंबर में देख सकते हैं ब्रास सील है, और ब्रास सील का जो एक अल्टरनेटिव अभी आया है वो POM है, पॉलीऑक्सीमिथिलीन, ये मटेरियल है
ये यूज़ करते हैं तो ये फ्लो रोकता है, जैसे ब्रास का यूज है सिमिलर मैनर उसका यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ असेंबलिंग में समझ सकते हैं कि बियरिंग कैसा है, कैसे क्या करते हैं। एक नंबर में सिर्फ पॉट है और उसके ऊपर सीलिंग मटेरियल है कि डस्ट वगैरह नहीं जाए। दूसरे नंबर में इलास्टोमेरिक पैड डाला हुआ है, तीसरे में इलास्टोमेरिक पैड के ऊपर ब्रास सील डाला हुआ है, और चौथे में देख रहे हैं कि पॉट रखा हुआ है, पॉट के ऊपर जो पिस्टन है पिस्टन को रखने की तैयारी हो रही है। पाँच नंबर में देखेंगे तो फिक्स बियरिंग तैयार हो गया, फिक्स बियरिंग रेडी है। नंबर सिक्स में देखेंगे तो इंटरमीडिएट प्लेट दिख रहा है, उसके ऊपर पीटीएफई है, और सेवन नंबर में देखेंगे स्टील प्लेट चमकता दिख रहा है, वो स्टील प्लेट है उसको ऊपर से कवर करना है। तो यहाँ पर आठ नंबर में देखेंगे तो ये रेडी हो गया गाइडेड बियरिंग, गाइडेड बियरिंग का ही उसमें लिया हुआ है तो ये गाइडेड बियरिंग है, ये रेडी हो गया। पीटीएफई का ये प्रॉपर्टीज है, काफ़ी टफ मटेरियल है और डेंसिटी भी अच्छा खासा है इसका। ये टेस्टिंग पर हम आते हैं, तो सबसे पहले जो टेस्टिंग है, एज ए इंजीनियर क्या डिजाइन किया हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो डायमेंशन दिया हुआ वो तो हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशन चेक करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं कि अपने पास परमिसिबल लिमिट क्या है आईआरसी 83 पार्ट 3 के हिसाब से, उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। सभी चीज़ का डायमेंशन चेक करते हैं, फिजिकल डायमेंशन चेक करके करते हैं, उसके बाद प्रूफ लोड टेस्ट करते हैं। ये 1.5 डिजाइन टाइम्स करते हैं इसमें, और लोड डालकर चेक करते हैं कि कहीं कुछ डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि 1.5 टाइम्स टेस्ट करना है एक बियरिंग को, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि 1.5 के बाद वो डैमेज निश्चित रूप से वो डैमेज हो जाता है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, यूज़ करना है तो उसमें हम इलास्टोमर चेंज करेंगे और फिर से यूज़ कर सकते हैं। फ्रिक्शन कोफिशियंट, प्रूफ लोड टेस्ट, रोटेशन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन वेल्डिंग, वेल्डिंग जो हमने किया वो वेल्डिंग कितना ढंग का हुआ है, ढंग का नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, इसे डीपी टेस्ट भी बोलते हैं। रफनेस ऑफ एसएस प्लेट, जो एसएस प्लेट है, एसएस प्लेट का कितना रफनेस है, उसके रफनेस पे ही डिपेंड करता है कि कितना स्लाइड करेगा, जितना स्मूथ है उतना ही ज़्यादा स्लाइड करेगा। उसके बाद इलास्टोमर का हार्डनेस टेस्ट करते हैं, जो मेटालिक सरफेस है, मेटालिक सरफेस में भी दो तरह का है, एक रेगुलर सरफेस है जो वर्क नहीं करता है, लेकिन जो वर्क करता है, वर्क करता है जैसे ही हम पिस्टन की बात करते हैं और पॉट की बात करते हैं, तो जो पॉट और पिस्टन जो मैटिंग, उसको मैटिंग सरफेस बोलते हैं, जो एक दूसरे से टच कर सकता है, तो उसका हार्डनेस 350 तक रखते हैं हम लोग। और फिर डाउट होने पर अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी कर लेते हैं वेल्डिंग के ऊपर, और जितना भी टेस्ट करते हैं उसका टॉलरेंस देख लेते हैं आईआरसी 83 पार्ट 3 के हिसाब से कि ये विद इन टॉलरेंस लिमिट है कि नहीं है। अब टेस्ट करने के लिए नंबर वन देखेंगे तो प्रूफ लोड टेस्ट है, जो भी डिजाइन लोड है उसका 1.5 टाइम्स हम लोड डालते हैं, और 30 मिनट्स तक लोड रखने के बाद लोड रिलीज करते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें कुछ डैमेज हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्रिक्शन टेस्ट, कि उसमें फ्रिक्शन है कितना। इसके लिए वर्टिकल लोड डाल देते हैं और दो पीटीएफई बेयरिंग को एक के ऊपर दूसरा उलट कर रख देते हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रख देते हैं, ताकि जो हमारा स्लाइडिंग इंटरफेस है वो ट्वाइस होगा, दो हो जाएगा, दो बियरिंग का दो हो जाएगा। और जितना भी वैल्यू आया जब हम उसको पुश करेंगे दूसरे जैक से, तो देखेंगे कितने फोर्स के बाद उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गया, वही जो इनिशियल मूवमेंट स्टार्ट होता है वो पॉइंट में जाना जरूरी है, वो लोड कितना है, तो उसी लोड के हिसाब से वो हॉरिजॉन्टल लोड डिवाइडेड बाय वर्टिकल लोड, उसमें टू से और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन दो का है फ्रिक्शन, इसीलिए टू से डिवाइड करते हैं, तो हमें फ्रिक्शन कोफिशियंट निकल जाता है। और देखते हैं कि फ्रिक्शन कोफिशियंट मेरे डिजाइनर ने क्या दिया है, उतना आ रहा है कि कम आ रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन जनरली कभी भी फ्रिक्शन कोफिशियंट ज़्यादा नहीं आता है, फ्रिक्शन कोफिशियंट और रोटेशन। मैंने
हजारों बियरिंग टेस्ट किए लेकिन कहीं इस दोनों में फेल नहीं होता है। प्रूफ में कभी कभी फेल होता है लेकिन फ्रिक्शन और रोटेशन में फेल नहीं होता है। और रोटेशन इसलिए ज़रूरी है, मैंने आपको बताया कि जब गर्डर में ब्रिज में डिफ्लेक्शन होगा तो हॉरिजेंटल नहीं होगा, वो गर्डर हॉरिजेंटल नहीं रहेगा, बियरिंग वहाँ पर टिल्ट होना चाहेगा। तो टिल्ट होने के लिए अगर रोटेशन कैपेसिटी है तब तो टिल्ट होगा, रोटेशन कैपेसिटी नहीं है तो एक्सेंट्रिक लोड आ जाएगा उसके ऊपर। फिगर थ्री में देख सकते हैं एक रेड कलर का दिख रहा है, वो इक्विपमेंट है टेस्टिंग का, उसके नीचे एक टैपर प्लेट डाला हुआ है, वो टैपर प्लेट से ही हमारा बियरिंग रोटेट हो जाता है। और टैपर प्लेट हम डिजाइन के हिसाब से रखते हैं कि हमारा रोटेशन कितना चाहिए, एल वाई आर थीटा इक्वल टू एल वाई आर के हिसाब से हम टैपर प्लेट बना के रखते हैं डिफरेंट टाइप का, कि जैसा डिजाइन है उस हिसाब से हम वहाँ डालते हैं, डाल करके प्रेशर डालते हैं और इसमें वर्किंग प्रेशर डालते हैं, जितना मेरा डिजाइन है वहाँ डालते हैं, डालकर देख लेते हैं फिर कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ी हुआ है तो फिर तो आगे कंप्लेन करेंगे। और एक है लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो भी जो हमारे पास 200-400 टन का लोड आता है उस लोड के कारण जब स्लाइड होगा, अगर वेल्डिंग प्रॉपर नहीं हुआ है तो टियर ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए वेल्डिंग है कि नहीं ठीक है, इसके लिए हम लोग लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं या डाई पेनिट्रेशन टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इसमें तीन तरह का केमिकल यूज़ करते हैं, क्लीनर होता है, पेनिट्रेंट होता है और डेवलपर होता है। सबसे पहले क्लीनर से हम पूरा वेल्डिंग एरिया क्लीन कर लेते हैं और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके ऊपर हम पेनिट्रेंट डालते हैं जो पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट है उसको स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद फिर उसको क्लीन कर देते हैं। अगर कहीं कुछ होल नहीं है वेल्डिंग में तो 100% कलर रिमूव हो जाएगा, अगर कहीं होल है पार्ट्स है तो रिमूव नहीं होगा और उसमें इंटैक्ट रह जाएगा। जब हम डेवलपर यूज करेंगे, डेवलपर व्हाइट कलर का है, जैसे ही हम यूज करेंगे तो उससे पेनिट्रेट होकर ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा इसका मतलब है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हम आगे देखेंगे। दूसरा है रस्टिंग से बचाना है, रस्टिंग से बचाने के लिए जो हमारे पास सिस्मिक जोन बटे हुए हैं 5, 4, 3 हम लोग कंसीडर करते हैं मैक्सिमम, तो जो एक्सट्रीमली सीवियर है उसमें 320 mm तक का माइक्रोन का थिकनेस लेते हैं, और सीवियर जोन में 240 है और दूसरे जोन में 160 का मिनिमम, यानी कि 160 मिनिमम चाहिए ही चाहिए मुझे। और इसको टेस्ट करने के लिए एक पेंट थिकनेस टेस्ट मशीन है, उसको सबसे पहले हम कैलिब्रेट कर लेते हैं एक स्टैंडर्ड थिकनेस से। कैलिब्रेट करने के बाद तो 5 नंबर में देखेंगे डायरेक्ट मुझे थिकनेस मिलता है, जैसे ही वो इक्विपमेंट का नीडल डालेंगे तो थिकनेस पता चल जाएगा। इसके बाद स्टेनलेस स्टील का जो रफनेस है, वो रफनेस टेस्ट करने के लिए एक रफोमीटर होता है जो नंबर 4 और नंबर 3 में दिखाया हुआ है, इस रफनेस को डालकर उस पर मूवमेंट करते हैं 20 mm तक, तो उसमें रफनेस आ जाता है कि कितना रफनेस है, डायरेक्ट रीडिंग आता है। और प्लीज मेक इट शॉर्टर सर, प्लीज मेक इट शॉर्ट, पार्डन, काफी टाइम हो गया, प्लीज मेक इट शॉर्टर। ओके 1 इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इज डाउन स्टैंड। डाउन स्टैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा जो भी ब्रिज में काम किए होंगे। जो गर्डर हर समय हॉरिजेंटल नहीं होता है, गर्डर इंक्लाइंड होता है, लेकिन बियरिंग हम हॉरिजेंटल ही रखते हैं, तो नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि डाउन स्टैंड कैसे बनाया हुआ है। नंबर 1 में फिजिकली बना करके देखा हुआ है, अगर इसमें हम नहीं बना सकते हैं किसी कारण तो हम लोग स्टील प्लेट टैपर करके डालते हैं। ये लेआउट अभी जो मैं बताया ये स्टैंडर्ड लेआउट है, इसमें कुछ भी डेविएशन नहीं हो सकता है। अगर हम पॉट पीटीएफी या स्फेरिकल बियरिंग कर सकते हैं, सिमिलरली आई गर्डर के केस में भी ये है, ऐसा ही करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब हम आते हैं इंस्टॉलेशन के केस में, तो जब हम इलास्टोमेरिक बियरिंग करते हैं उसमें 6 mm का रेसिस डालते हैं और रेसिस के ऊपर 2-3 mm का लिक्विड स्लरी डालते हैं, चाहे वो सीमेंट स्लरी हो या GP2 हो, डाल करके उस पर बियरिंग डाल कर उसको प्रेस करते हैं,
ताकि जो अंडुलेशन है भी 2-3 mm का अंडुलेशन अगर है तो वो क्लियर हो जाएगा और 100% कॉन्टैक्ट में रहेगा। जब हम पॉट बीरिंग की बात करते हैं तो पॉट बीरिंग दो तरह से फिक्स होता है, कास्ट इन सीटू होता है, प्रीकास्ट होता है। तो प्रीकास्ट के लिए हम लोग जिस समय कास्टिंग करते हैं उसमें डालते हैं स्लीव डाल देते हैं उसी में। स्लीव डालने के लिए नंबर यहाँ नंबर 3 में देख सकते हैं कि जो टेम्पलेट बना हुआ है टेम्पलेट के हिसाब से हम उसमें डालते हैं ताकि जब हमारा गर्डर तैयार हो तो उसमें हम आसानी से लगा सकें और कोई दिक्कत नहीं हो। एक अभी हमने बात किया था वर्टिकल बियरिंग का सिस्मिक अरेस्टर। इस सिस्मिक अरेस्टर के लिए बीच में देख रहे हैं सिस्मिक ब्लॉक है और इसके चारों तरफ हम डालते हैं वर्टिकल बियरिंग ताकि जब कोई भी अर्थक्वेक आए तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं आए इसमें। इस तरह से सिस्मिक अरेस्टर पैक किया हुआ है और ये सब जो इशूज है ये यंग स्टेक देखें जरा कि क्या क्या लोग कर रहे हैं दुनिया में। यहाँ देखिए ये गैप है, यहाँ इस तरह का बीरिंग में गैप हो रहा है। ये देखिए नंबर 3 दिल्ली मेट्रो का है जो 4 महीने तक मेट्रो बंद रहा। ये राजकोट का है, देख रहे हैं 8 में 4 गायब है बोल्ट, डिजाइनर क्या करेगा। ये है अजमेर का आरओवी बन रहा था और रेलवे ट्रैक पर गिर गया और इसका कारण देखें नंबर 1 देख सकते हैं जो बियरिंग फिक्स किया हुआ था राइट साइड में टच किया हुआ है, लेफ्ट साइड में गैप है। इसके कारण जब आप रखेंगे तो गर्डर टिल्ट हो जाएगा और टिल्ट कैसे हुआ है इसको मैं दिखाता हूँ कि एक नंबर पहले इरेक्ट किया गया इसके बाद दूसरा किया गया। एक में जो सपोर्ट डाला हुआ था प्रॉपर सपोर्ट नहीं था और उसको जस्ट एक रीवार से कनेक्ट कर दिया गया, दूसरे में कोई सपोर्ट नहीं डाला गया। तीसरा डाला गया तो ये बियरिंग प्रॉब्लम था, जो बियरिंग मैंने दिखाया वही प्रॉब्लम था और वो हैंग कर रहा था क्रेन से। जैसे ही क्रेन लूज किया तो ये राइट साइड टिल्ट होना चाहा और ये टिल्ट हुआ। जैसे ही टिल्ट हुआ तो ये दोनों गर्डर को खींच लिया और खींचा तो ऐसा हो गया, गिर गया, दो गिर गया और एक गर्डर हैंग हो रहा है अभी भी। और इसमें देखेंगे जो रेड सर्किल किया हुआ उसमें एक आदमी खड़ा है, वो वेल्डर था जो वेल्डिंग कर रहा था, वो बच गया, गिरा नहीं। ये रेलवे ट्रैक पर गिरा हुआ है। ये ओरिएंटेशन है, जो ट्रांसवर्स गाइडेड था उसको भर्टिक बना दिया गया लॉन्गिट्यूडनल गाइडेड, इसको मैंने काट कर बनवाया फिर से, इसको चेंज किया। यहाँ देखिए 3 बियरिंग लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये तीनों बियरिंग एक लाइन में नहीं है। यहाँ 160 डिग्री का कर्वेचर था मेट्रो का, इसलिए इसमें पिन बियरिंग डाला हुआ है, जो सेंट्रल है वो पिन बियरिंग है जिसमें वर्टिकल लोड नहीं आता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लिए डिजाइन होता है। और ये देखिए जो सबसे आगे का बियरिंग है वो उसका अलाइनमेंट कुछ और है, फिर मैंने कट करके एक लाइन में करवाया इसको। तो बियरिंग बनाना बनाने वाला कोई और है, लेकिन जो इंस्टॉल करने वाला है उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो अभी हमने दिखाया आपको, खास करके जो एक राजकोट का था और अजमेर का था, NHAI की ओर से मुझे मिला था उसके इंस्पेक्शन करने के लिए, देखने के लिए कि क्यों गिरा है, वही मैं जाकर इंस्पेक्शन किया था। ये राजकोट था 2007 में और अजमेर 2013 में गिरा था। तो सभी जितने भी यंग इंजीनियर हैं बियरिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि बियरिंग ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और सबसे गड़बड़ी क्या है मेंटेनेंस का, ये बनाने वाले भी गड़बड़ी किए हैं बनाने में। देखिए टच नहीं कर रहा है, वहाँ टच नहीं कर रहा है, बनाकर जो भेजा मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है ये। और नंबर 3 में देखिए क्या प्रॉब्लम है, ये फिक्स बियरिंग है। फिक्स बियरिंग में जब हम बोल्ट डालेंगे तो बोल्ट डालने का जगह नहीं है, दोनों के बीच में इतना गैप है, इसे बहुत बड़ा बोल्ट है तो नीचे हम घुसा ही नहीं सकते हैं। फिर मैंने अपने सामने इसको कटवाया, जो इसका लॉक है लॉक सामने में कटवाया, डिसलॉज किया,
फिर बोल्ट डाला ऊपर, बोल्ट डाला नीचे, फिर लॉक को सटा करके वेल्ड करवाया, तो पाँच नंबर में देखेंगे कि उसमें लगा हुआ है। वो एक्चुअली प्लेट गर्डर था जिसका थिकनेस 65 mm था, 65 mm थिकनेस, प्लस ये बियरिंग का टॉप प्लेट का थिकनेस, प्लस ऊपर डबल नॉट नट लगाना है उसका थिकनेस, वो घुस सकता नहीं है इसमें। तो मैन्युफैक्चर नहीं सोचा, डिजाइनर ने नहीं सोचा, जो चाहा सो डाल दिया। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इंडिया में, दूसरे जगह की बात मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम है मेंटेनेंस के मामले में, हम लोग बहुत ही नेग्लिजेंट है। करोड़ों करोड़ का हम प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन 100 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते हैं मेंटेनेंस केस में, खासकर अगर बियरिंग है जो दिखता नहीं है। इसलिए जब भी ब्रिज बनता है, ब्रिज बनने के बाद हर साल में 5 साल तक एक एक साल पर देखना चाहिए जा करके, या बीच में अगर कुछ फ्लड आ गया, कुछ आ गया, या कुछ सिस्मिक जोन में आया हुआ है तो देखना चाहिए, इंस्पेक्शन कराना चाहिए, और 5 साल के बाद 2-2 साल पर तो होना ही चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसको फॉलो करें ताकि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, और जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हाइलाइट करना चाहिए। और यंगस्टर लोग जो भी है, आप लोग कभी भी साइट पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको हाइड मत करो, और जो सीनियर लोग हो वो गुस्सा मत करो कि तूने क्यों गलती किया। गलती किया है तो सीनियर का काम है सोल्यूशन देना, लेकिन जूनियर फिर दूसरी बार गलती ना करे। यह कहते हुए मैं आप लोगों का बहुत समय लिया, ये थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद एनएन बंधु सर को, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं भी एक ब्रिज इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहा हूँ, सो आई नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ बेयरिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जोरदार तालियां एनएन बंधु जी के लिए, और आपसे आग्रह है कि आप सामने आ जाएं मंच के पास, और पुनः राजीव लोचन सर से आग्रह होगा कि इन्हें सम्मानित करें, बुके देकर, शॉल देकर, मेमेंटो देकर, प्रतीक चिन्ह, शॉल, बुके। सो चेयरमैन ऑफ द टेक्निकल सेशन राजीव लोचन सर, जब सम्मानित किया जा रहा है तो तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। Now we have with us Dr. Hari Narayan Tiwari, and he is the co-founder of Managing Director of Floodcon Consultants. Dr. Tiwari is the initiator of two diverse programs